पालमपुर में कांगड़ा चंबा संसदीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश प्रभारी रंजनी पाटिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि लोकसभा चुनावों में हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे और चारों की चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल में मौसम में बदलाव के साथ साथ राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अब ग्रास रूट तक जाकर काम कर रही है और कार्यकर्ताओं की इच्छा जानकर उस पर विचार करके कांग्रेस मैदान में उतरेगी। वहीं उन्होंने कहा कि राफेल डील की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मामले की जांच जरूर होनी चाहिए तथा सच जनता के सामने आना चाहिए। पाटिल ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता को भाजपा द्वारा किए जा रहे घोटालों को बता रहे हैं और राहुल गांधी की इस लड़ाई में सारी कांग्रेस उनके साथ है। पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम सब एकजुट होकर काम करेंगे और चारों सीटें जीतेंगे। रंजनी पाटिल ने वीरभद्र सिंह के अपने उम्मीदवार की घोषणा करने पर कहा कि कांग्रेस हाईकमान इसका फैसला लेगी। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी तय करेगी कि कौन मैदान में उतरेगा। वीरभद्र सिंह 60 साल से राजनीति में रहे हैं और उन्हें सब पता है कि कौन टिकट देगा। वहीं पाटिल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई भी नेता सार्वजनिक मंच पर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा न करे। लक्ष्य 2019 को लेकर हमारी तैयारियां चल रही है, उसके तहत एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र रह गया था जहां पे जाके हमारे पूरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे लीडर्स सबके साथ बात करके उनके मन की बात जानने के लिए हम जो चार कॉन्स्टिट्यूंसीज है हिमाचल की वो तीन हो गई थी, एक बच गया था, उसके लिए आज कांगड़ा विधान लोकसभा क्षेत्र के लिए हम आ गए हैं। बैठक में प्रमुख हमारी चर्चा यही होगी कि किस तरह से हमारी जो लड़ाई है 2019 की वो लड़ी जाएगी। एक तो आपके माध्यम से हम अभिनंदन करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिनके नेतृत्व में बहुत शानदार जीत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमने हासिल की और 17 तारीख को हमारे तीनों नए मुख्यमंत्री वहां पर स्थापित होंगे। और इसी तरह से पूरा मौसम चेंज हो रहा है। जब हम पहली बार यहां आए थे कांगड़ा में गर्म मौसम था और अभी बहुत शानदार मौसम हो गया है, राजनीतिक मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि लगातार इतने सालों से राहुल गांधी जी बेझिझक उनकी जो प्रयत्न कोशिश चल रही है उसका हमें फल अभी प्राप्त हो रहा है। जो प्रमुखता जो मुद्दा हम लेकर जा रहे हैं कि एक तरह से हमारी बूथ लेवल की तैयारियां कैसी चलनी चाहिए वो हम देखना चाह रहे हैं। बूथ लेवल तक हम लक्ष्य के बाद हमारा बुनियाद 2019 का लक्ष्य है हमारा कि बुनियाद यानी जो वोटिंग में हमारा वोटर्स को बाहर लाते हैं बूथ लेवल तक, उन लोगों को हम जागरूक करेंगे, उन लोगों को संगठित करेंगे, उनके साथ चुनाव लड़ने की हम पूरी तैयारी करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता बुनियादी की हड्डी है इस कांग्रेस पार्टी की, उनको सबको लेके उनके मत हम जान लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से चुनाव में आगे पेश करना चाहते कांग्रेस पार्टी को। और तीसरी बात हम उनको ये समझाना चाहते हैं आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हुए कि जो आजकल की जो बातें चल रही हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और बाकी उनकी सब कंपनी है उनकी जिस तरह से मात कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही थी, जिसमें कामयाबी वो हासिल कर रही है, जो मुद्दा 2-3 दिनों से गरमाया जा रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा राफेल का रहा, वो राफेल का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था और राज्यसभा में लोकसभा में मांग की थी कि उसकी जेपीसी की जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन किया जाए जिसके माध्यम से उसके ऊपर पूरी चर्चा हो। हम विरोध नहीं कर रहे थे लेकिन हम मांग कर रहे थे कि उसकी चर्चा हो जाए। अगर उनके मन में खोट नहीं है, अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो उन्होंने वो जेपीसी देने की आवश्यकता थी, लेकिन जेपीसी पार्लियामेंट बंद हो गया लेकिन जेपीसी उन्होंने दी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हमें अपेक्षित है, वही फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही हमने यही साथ जाना था कि सुप्रीम कोर्ट में ये होने वाला है,
हम उनके माध्यम उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैग का अहवाल जो हमारे खड़गे साहब जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है उन्होंने भी अभी तक नहीं देखा वो कोर्ट में कैसे सादर किया गया। दूसरी बात, जो 526 करोड़ का डील हुआ था एक राफेल खरीदी करने के लिए, उसकी 1600 करोड़ रूपये कीमत हो गई, उसका कारण, उसका विवरण क्या है, उसका कारण क्या है कि इतने 3 गुना कीमत ज्यादा बढ़ गई, उसका कारण क्या है? और ये सब कागज जो है जो हमें एचएएल को देने के, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो एचएएल को ये हमें बिल देना था, उनको उनको करना था हमेशा की तरह, और उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस में जाके उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ बात करके खुद के मंत्री को भी नहीं ले जाके ये बात करी और अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसमें अपने मित्र अनिल अंबानी उनको फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ केवल उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बात करी है। ये हमारा सीधा आरोप है और वो हमारे नेता हमारे ये बात करते हैं उसको हम सब एंडोर्स करते हैं, हम सब पूरे पूरी के पूरे तक पूरी ताकत से राहुल जी के इस लड़ाई में उनके साथ रहेंगे।